नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त पटना की सबसे बड़ी खबर। पटना में स्पाइस जेट के विमान में आग लगने की खबर है। जैसे ही यह विमान पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होती है, इंजन में आग लग जाती है, जिसके बाद पटना एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लाइव सिटीज पर। पटना में स्पाइस जेट विमान में आग लग जाती है, जिसके बाद उसकी सेफ लैंडिंग कराई जाती है। हालांकि आग लगने के कारणों के पीछे का कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन वहां हमारे संवाददाता आलोक जिस प्रकार मौजूद थे, जो जानकारी उन्होंने दी है उसके मुताबिक स्पाइस जेट पटना से उड़ान भर चुकी थी, दिल्ली के लिए रवाना हुई। जैसे ही वो उड़ान भरती है, वैसे ही आग की लपटें निकलने लगती है और वहां पर यात्री जो है वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, नीचे अफरा तफरी हो जाता है। सेफ लैंडिंग फिलहाल जरूर हो गई है, लेकिन यात्रियों के बीच दहशत का माहौल है। बड़ी घटना है, अभी से थोड़ी देर पहले बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है राजधानी पटना में। पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, हमारे संवाददाता आलोक वहां मौजूद हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, स्पाइस जेट के इंजन में आग लग गई है। जिस प्रकार से आग लगी, उसके बाद कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक स्पाइस जेट के इस विमान की सेफ लैंडिंग करा ली गई है और कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर यह आग क्यों लगी। और देखिए, आग उड़ान भरते ही इंजन में आग लग उतारा जरूर गया है और कारणों का पता लगाया गया है, लेकिन इस बीच अफरा तफरी का माहौल। SG-725 उड़ान भरते ही आग लगने लग गई उस इंजन में। विमान को सुरक्षित उतारने की कोशिश की गई, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पायलट सफल भी हुआ है। और ऐसे में बहुत बड़ा हादसा अभी से कुछ देर पहले हो गया होता अगर सेफ लैंडिंग विमान की नहीं कराई गई होती। सबसे बड़ी खबर पटना से, हमारे संवाददाता आलोक एयरपोर्ट पर मौजूद है और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं जरा सुन लीजिए। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना एयरपोर्ट पर, जहां पर जानकारी निकल के आ रही है कि अब से कुछ देर पहले स्पाइस जेट की एक विमान जो है वो दिल्ली के लिए उड़ान भरती है, और जैसे ही विमान उड़ान भरती है उस विमान में आग लग जाती है। आग के लपटे जो हैं वो काफ़ी भड़क जाते हैं, आग के लपटे जो हैं वो उठने लगते हैं फ्लाइट में से, उस हवाई जहाज में से, और विमान को तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करवाया गया है। जो जानकारी निकल के आ रही है, स्पाइस जेट की वो विमान है जो दिल्ली जा रही थी, सभी यात्री फिलहाल तो सुरक्षित हैं ऐसा बताया जा रहा है। पटना के जिलाधिकारी और पटना के SSP तुरंत यहां पहुंचे हैं। यहां की स्थिति जो है वो फिलहाल सामान्य है, एयरपोर्ट को तुरंत खाली कराया गया है। CISF के जवान जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, ऐसे तो वो एक्टिव रहते ही हैं, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल को भी यहां पर बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द यात्रियों को सुरक्षित यहां से निकाला जा सके। फ्लाइट में आग लग चुकी है, स्पाइस जेट की वो फ्लाइट बताई जा रही है जो कि पटना से उड़ान भर कर दिल्ली के लिए जा रही थी। इस वक्त हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, यहाँ की तस्वीरें तमाम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है, सभी यात्री सुरक्षित हैं नहीं इसका भी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है स्पाइस जेट की उस फ्लाइट की जो दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी। जैसे ही उड़ान भरती है, फुलवारी या उसके आसपास के इलाके तक पहुँचती ही है, यानी कि मतलब महज 20 से 30 सेकंड का समय बीता था उड़ान भरने के ठीक बाद कि स्पाइस जेट की उस फ्लाइट में आग लगने की जो खबर है वो निकल के आती है और तुरंत उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें हम आपको तमाम दिखा रहे हैं। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह सहित तमाम जितने आसपास के पुलिस थाने हैं उनकी गाड़ी यहां पहुंच चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, एयरपोर्ट की सुरक्षा तुरंत और बढ़ा दी गई है।